में हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है। सरकार ने हर घर पर तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा है। सरकार तिरंगा रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रही है। तो वहीं इन सबके बीच सरकारी राशन की दुकानों और स्कूलों में झंडा बेचने की खबरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुफ्त का राशन लेने आए ग्रामीणों से झंडा खरीदने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें पॉलिस्टर का झंडा 25 रुपए और खादी या सूती कपड़े का झंडा 50 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कंट्रोल से बांटा जाता है। इन लोगों पर झंडा खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा में घर घर तिरंगा भेजने के लिए ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है। राशन डीलर की दुकान पर एक झंडा 25 रुपए में बेचा जा रहा है। ग्रामीणों को राशन लेने के लिए झंडा खरीदना ही पड़ रहा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें राशन देने से भी मना किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।